करीब मत जाना। इस्लाम में, ईमान में, दीन में, लिलाहियत में, तकवे में दो ही चीजें अहम हैं, एक अल्लाह से ताल्लुक तकवा और ईमान की बुनियाद पर, लेकिन साथ साथ इससे बहुत ज्यादा डर और खौफ और दूर कि इस इबादत के मामलात में, इस ताल्लुक के मामलात में कहीं कोताही वाली बात यानी शिर्क का इर्तिकाब ना हो जाए। चुनांचे मुतअद्दिद आयत कुरानी इस बात पर दलालत करती हैं कि जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन वाहद ला शरीक ने अपनी इबादत का, नबी की इताअत का हुक्म फरमाया, वहां शिर्क से डराया, इसलिए कि सिर्फ उस बगावत का नाम है, उस कौल अमल का नाम है कि जिसकी मौजूदगी में कोई बंदगी, कोई इताअत और कोई कारगुजारी अल्लाह के यहां कबूल नहीं। इससे बढ़कर क्या दलील होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक ने मोहम्मद मुस्तफा रहमतुल आलमीन सैयदुल अंबिया वल बशर लैन अशरकता लयहबतन अमलुका वलतकुनन मिनल खासिरीन। नबी ध्यान रखिएगा, जो शिर्क का इर्तिकाब करेगा मेरे यहां उसकी गुंजाइश नहीं। और ये अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिस्कातुल मसाबीह और कुतुब सहा सित्ता में यह हदीस वाज़ेह अल्फाज में कि यबना आदमा लव लकीतनी बिक़राबिल अर्ज़ खताया सुम्मा लकीतनी ला तुशरिक बी शैया लातैतुका बिहा मग़फ़िरतन। आदम की औलाद, इस बात का ख्याल रखना, तुमने बशरियत इंसानी, नफ्स अम्मारा, शैतान की कारस्तानियां, माहौल की कारगुजारियां, इन सब की वजह से अगर बेशुमार गुनाह भी किए हैं तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। तेरी मेरी मुलाकात हो क़यामत में इस अंदाज में कि जमीन तेरी खताओं से भरी पड़ी हो तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं कि उस पर झाड़ू फेर कर साफ करके अपनी रहमत को उसमें दाखिल कर दूं और तेरे लिए मगफिरत का सामान कर दूं, बशर्ते के तेरी इस कारगुजारी में शरीक शामिल ना हो। तो बुनियादी बात निफाज़ शरीयत क्यों और कैसे में सबसे ज्यादा ख्याल इस बात का रखा जाएगा कि अल्लाह की किताब को मुकद्दम, नबी की सुन्नत को उसकी तकमील का सबब और समझने का जरिया, और अपनी इबादत, अपने मामलात, अपने अकायद और अपने लेन देन, अपनी तिजारत, अपनी मईशत, अपनी हुकूमत, हर चीज में अल्लाह के साथ किसी भी हैसियत में किसी को शरीक ना गर्दाना जाए। लिहाजा निफाज शरीयत सबसे पहले पार्लियामेंट में जाने के बजाय, जलसे जुलूस में आने के बजाय मेरी और आपकी जात से शुरू होगा। हम सबसे पहले इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने और यकीन और समझने वाले शरीयत के निफाज अपनी जात पर करेंगे, अपने आप को अल्लाह का पाबंद करेंगे, नबी की सुन्नत का फर्माबरदार बनाएंगे और शिर्क से दूर रहने की कोशिश करेंगे। आज मज़ाहिर शिर्क इतने जदीद अंदाज में और इतने कसरत तादाद में माशरे में फैलते चले जा रहे हैं कि हम उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे, जबकि ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है कि हम सजदे भी करें, नमाजें भी पढ़ें, रोजे भी रखें, ज़कात भी दें, मामलात भी करें, लेकिन अपने अकाइद को अल्लाह के फरमान और कुरान की हिदायत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर लाने के लिए शिर्क से बचने की कोशिश न करें। इससे बढ़कर क्या मिसाल होगी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल लगाए हैं मक्के में सिर्फ तौहीद को उजागर करने और शिर्क के आसार को मिटाने, और 10 साल मदीने की ज़िंदगी में पूरी शरीयत इस्लाम का निफाज फरमाया है। कुरान पाक में मुतअद्दिद आयात इस बात पर दलालत करती हैं कि अगर बस्ती वाले सूरह आराफ आयत नंबर 95 ईमान लाएं और तकवे की राह इख्तियार करें तो हम उन पर अपनी बरकतें और रहमतें उतार दें आसमान से और ज़मीन से, लेकिन इन्होंने इनकार करा अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करने का और उसकी इबादत में कोताही करने का और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा को तर्क करने का
और अपनी मर्जी को आगे लाने का, चाहे वो फ़र्द की मर्ज़ी हो, चाहे वो हकूमत और दौलत और जमातों की मर्ज़ी हो, असल चीज़ निफाद शरीयत जब होगा, जब हम सिद्क दिल के साथ अल्लाह की किताब के अलावा किसी और को कानून न समझें और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किताब की शरह और तफसीर के अलावा किसी और की बात को अहमियत न दें, तो शरीयत इस्लाम पहले हमारी ज़ात से शुरू होगी, हमारी औलाद से शुरू होगी, हमारे बीवी बच्चों से शुरू होगी, हमारे माँ बाप और भाई बहनों से शुरू होगी, हमारे ख़ानदान से शुरू होगी, फिर हमारे बिरादरी में शुरू होगी, फिर हमारे शहर से शुरू होगी, फिर हमारे मुल्क में होगी और फिर सारी दुनिया में इसकी रोशनी फैलेगी। ये बात तय है कि ये शरीयत इस्लाम अल्लाह की है और उसका तरीक़ा भी अल्लाह उसके रसूल ने बता दिया है, और जैसा कि मौलाना अब्दुल रऊफ साहब ने भी हवाला दिया है कि ला इकराहा फिद्दीन, बिना शुबा दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। आप और मैं मीडिया के इन मनाजिर से जो सरासर मुगरेजाना होते हैं और हकायक को हकीकत हाल में नहीं बल्कि अपनी की अपनी ज़ात की शक्ल, अपनी मर्जी की शक्ल पर पेश किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा गलत बयानी की जाती है। मेरा मकसद हरगिज़ किसी का दिफा नहीं बल्कि ये बताना मकसूद है कि अगर कोई फ़र्द या कोई जमात या कोई गिरोह या कोई मसलक कोई गलत तरीका इख्तियार करता है तो हमें सबसे पहले अल्लाह की सादा किताब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ह शरीयत पर परख कर देखना चाहिए, आया ये इसके मुताबिक है तो हमें दिलोजान से उसका साथ देना चाहिए, और अगर उसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी है तो हमें अल्लाह की किताब से पर राज़ी रहना चाहिए और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदबीक और उस पर अमल करने के लिए अपनी सी सही करनी चाहिए। प्रधान इस्लाम मन लम यशकुरुन्नास लम यशकुरुल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा करना नहीं जानता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं बन सकता। मैं इंतहाई दिल की गहराइयों से तंजीम इस्लामी डॉक्टर इसरार अहमद साहब जिनकी काविशें, कोशिशें, तकरीरें, खिताब, तहरीरें, किताबें और अल्लाह के फजल करम से तरवीज शरीयत इस्लाम और इकामत खिलाफत के लिए वो जो कुछ कर रहे हैं, मैं और आप नहीं, पाकिस्तान के मुसलमान नहीं, सारी दुनिया के मुसलमानों को एक साथ होकर यकजहती का सबूत देकर अल्लाह के इस दीन की नुसरत के लिए अपना किरदार अदा करने की जिम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जज़ाकल्लाह मौलाना मोहम्मद सल्फी साहब। हमारे अगले मुकर्रर हैं मौलाना आसिफ कासमी साहब। आपका ताल्लुक मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से है, मुफस्सिर कुरान और फारूक आज़म मस्जिद ट्रस्ट के चेयरमैन, आजकल कनाडा में दीनी उलूम और कुरान मजीद की इशाअत के लिए अहम फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, कई एक तसानीफ़ के भी मुसन्निफ़ हैं और फारूक आज़म मस्जिद ट्रस्ट के तहत दारुल उलूम और दीगर फलाही और रिफाही कामों की सरपरस्ती फरमाते हैं मौलाना आसिफ कासमी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम मुफक्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान मोहतरम जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब, उलमाए किराम, हाज़िरीन मोहतरम, चंद बातें अर्ज़ करने के लिए मुझे हुक्म दिया गया है, मैं हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, वक़ाल अल्लाहु ताला
هو الذي أرسل رسوله